नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। जिला शिवहर तरियानी छपरा अंतर्गत कुंडल गांव में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार कर हत्या कर देने की घटना का हुआ उद्भेदन। एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। तरियानी छपरा थाना के ग्राम कुंडल स्थित बांध के पास बासमती में एक 11 वर्षीय लड़की का शव पाया गया था। शव नग्न अवस्था में था तथा देखने से प्रतीत हुआ कि लड़की के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई है तथा साक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से शव को बांध के नीचे बासमती में छिपा दिया गया है। गांव वालों द्वारा छपरा थाना को सूचित करते हुए बताया गया है कि लड़की सुबह से गायब थी तथा देर रात घर नहीं लौटी थी और सुबह 9 बजे बांध के नीचे शव मिला। इस जघन्य घटना के उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा विभिन्न थाना के विशेष अनुसंधान दल के द्वारा वैज्ञानिक एवं पारंपरिक पद्धति के अनुसंधान पर 24 घंटे के अंदर इस घटना का सफल उद्भेदन करते हुए उक्त बच्ची के साथ बलात्कार कर हत्या करने वाले अभियुक्त रूपेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। इस घटना का स्थानीय युवक के द्वारा अंजाम दिया गया तथा अपना पहचान छिपाने के उद्देश्य से बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। अपना अपराध स्वीकार करते हुए घटना की विस्तृत जानकारी दी तथा वास्तविक घटना स्थल एवं शव को फेंकने वाले स्थान को ले जाकर दिखाया। घटना के समय पहने हुए अपने कपड़े के बारे में भी बताया, जिसे उसके बयान के आधार पर विधिवत जब्त किया गया। गिरफ्तार रूपेश कुमार मृतिका बच्ची के पिता के टेंट की दुकान पर काम करता है तथा उसका पड़ोसी एवं गाँव के रिश्ता में मृतिका के चचेरा भाई लगता है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य संग्रह कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में समर्पित कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से शीघ्र सजा दिलाई जाएगी। शिवहर ब्यूरो रिपोर्ट अरुण कुमार साह। चिल्लाने लगी और बोली कि ये घटना के बारे में बता देगी, तो उसके बाद इसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसका शव जो है इसने बांस के पास, जो नदी के किनारे है, बांध के किनारे, वहाँ जा कर के फेंक दिया। तो इस प्रकार एकदम निकट पड़ोसी और साथ ही साथ इसके घर में ही काम करने वाला ये लड़का इस बच्ची के साथ इस घटना कार्य को अंजाम दिया और इस घटना का उद्भेदन करने के पश्चात हम लोग जल्द ही इसमें आरोप पत्र समर्पित करके इसका स्पीडी ट्रायल कराएंगे और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। और पूरी टीम ने बड़ी लगनता के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ परिश्रम किया है और लगातार जब से घटना की सूचना मिली है हमारे सभी पुलिस पदाधिकारी इस कार्य में लगे रहे और तभी जा करके वो वापस आए हैं जबकि इस कांड का उद्भेदन के साथ साथ गिरफ्तारी हो गई। तो सभी प्रशंसा के पात्र हैं और सभी को पुरस्कृत करने के लिए हम लोग जो है अग्रतर कार्रवाई करेंगे। नाबालिग बच्ची का पूरा उद्भेदन कर लिया गया। तरियानी छपरा थाना अंतर्गत कुंडल गांव में नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र करीब 11 वर्ष की थी, उसके साथ दुष्कर्म करके हत्या करने की घटना हुई थी और 19 तारीख को परसों 9:30 बजे के करीब इसकी सूचना मिली थी। एक शव बरामद हुआ था जो कि नग्न अवस्था में था और प्रथम दृष्टया उसको देखने के बाद ऐसा ही प्रतीत हुआ था कि बच्ची के साथ बलात्कार करके उसके हत्या की गई। ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना दी गई, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद परिजनों के बयान पर कांड दर्ज हुआ। क्योंकि ये कांड काफ़ी जघन्य अपराध था और काफ़ी ही घृणित अपराध था, इसके लिए हम लोगों ने जिला पुलिस की तरफ से पूरी ताकत लगा दी उद्भेदन के लिए और गिरफ्तारी के लिए। मेरे नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी